ये बला टल जाएगी मुकेश, बला जल्दी टल जाएगी। कितनी जल्दी रामनाथ जी? बहुत जल्द। एक अरसे से पूरा समय ही चल रहा है, ये दशा कब तक चलेगी? तीन हफ्ते मुकेश, सिर्फ तीन हफ्ते। तीन हफ्तों के बाद तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी मुकेश। उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है मुझे। तुम्हारे आसपास जितनी भी मुश्किलें हैं सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं, बस एक बार ये दशा टल जाए। क्या किसी इंसान के पास दूसरे इंसान का भविष्य देखने की शक्ति हो सकती है? क्या कोई किसी के आने वाले कल को अच्छे या बुरे कल में बदल सकता है? क्या जीवन के गंभीर मसलों का हल चमत्कारी ताकतों से पाया जा सकता है? तीन दिन से ताला लगा रामनाथ जी के घर पर। ऐसी कहीं जाती थी तो गायत्री भाभी हमेशा मुझे बताती थी, इस बार किसी को नहीं बताया। दूध वाला भी पूछ रहा था कब आ रहे हैं ये लोग। वो रामनाथ जी के चेले, वो लक्ष्मण और धीरज, वो भी आकर लौट गए। सरला, दो तीन दिन पहले रात को जो हो रहा था वो अजीब था। क्या हो रहा था? वो गली में कुत्ता कितने अजीब तरह से रो रहा था, कुछ मनहूस हो रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हो? आप भी रामनाथ जी की तरह बातें करने लगे हो। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं रामनाथ जी के छोटे भाई आनंद को फोन लगाता हूँ। नहीं रोहित, रामनाथ भैया ने मुझे कुछ नहीं बताया। हुआ क्या? नहीं, बस वो फोन नहीं उठा रहे हैं और तीन दिन से घर पर ताला है। तीन दिन से ताला लगा हुआ घर पर? हाँ आनंद, मैंने आखिरी बार उन्हें 16 जुलाई को देखा था, उसके बाद कोई भी नहीं दिखा। पापा, विशर भैया और नया दीदी का भी फोन बंद आ रहा है। हाँ विशर, ये गायत्री भाभी का फोन भी बंद आ रहा है। सब लोग गए कहाँ होंगे? ऐसे सभी लोग फोन बंद करके कहीं जाएंगे क्या? कुछ तो गड़बड़ है। आप तुरंत माजोली के लिए निकल जाइए, देख कर आइए ना कि माजरा क्या है। सर, मैं आनंद दीक्षित, रामनाथ दीक्षित का छोटा भाई। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पर गए हों जहाँ मोबाइल का नेटवर्क ना मिलता हो। नहीं सर, ये रोहित जी हैं भैया के पड़ोसी। सर, ये धीरज है, ये लक्ष्मण है, भैया के शिष्य हैं। इनमें से किसी को भैया ने कुछ बताया नहीं कहीं जाने के प्लान के बारे में।
तो आप चाहते हैं कि हम ताला तोड़े और अंदर देखें? मुझे लगता है यही ठीक रहेगा सर। सर रुकिए, खून। भाविका, अंदर देखो। यस सर। यहां कुछ हुआ है सर? कोई है अंदर क्या? नहीं आना, अंदर कोई नहीं। यहां जिस तरह से कपड़े बिखरे हुए हैं, लग रहा है जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा था। सर दूसरे वाले बेडरूम की अलमारी और लॉकर भी खोले गए। सर अलमारी आधी खुली हुई थी, लॉकर भी मैंने खुला पाया, पूरा खाली। ये रामनाथ जी तिजोरी में जेवर कैश कुछ रखते थे क्या? होंगे सर, रामनाथ भैया के जितने क्लाइंट हैं, मतलब जितने लोग मिलने आते हैं, वो कैश में पेमेंट करते हैं, कभी कभार तो गोल्ड में पेमेंट हो। गोल्ड में? जी सर, लेकिन हुआ क्या है यहाँ? मेरे भैया भाभी और उनके उनके बच्चे कहाँ हैं? तोमर, फॉरेंसिक टीम को तुरंत आने को कहो, यहाँ कुछ तो हुआ है। सर घर के पीछे वाले आंगन में आइए, कुछ हुआ है वहां। सर यहाँ खुदाई हुई, फिर ढका गया है, फ्रेश लगता है। मुझे आइडिया नहीं सर, मैं यहाँ भैया के यहाँ काफी अरसे बाद आया हूँ। और ये जमीन कुछ ज्यादा ही खोदी गई है सर। सर घर के अंदर खून के धब्बे तो हैं, लेकिन कोई लाशें नहीं, हो सकता है यहाँ। अब जो जमीन के अंदर से सामने आने वाला था, उससे सिर्फ मझौली गांव नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। और रामनाथ दीक्षित के घर हुआ यह रहस्यमय कांड पुलिस के लिए काफी पेचीदा साबित होने जा रहा था। आराम से खोदो, आराम से। सर अभी तक तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन सर यहाँ जरूर कुछ मिलेगा। ये तो रामनाथ भैया है। चारों पर छुरे जैसे किसी हथियार से वार किया गया है। सबकी जगुलर वेन काटी गई है, ये गले की है नस। ऐसी हालत में मौत ऑन द स्पॉट होती है। हमला एकदम अचानक किया गया होगा, क्योंकि पड़ोसियों ने किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी। हमने तो कोई चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी सर। 17 तारीख की सुबह से ये लोग दिखे ही नहीं, तब से ताले लगा है घर पे। लक्ष्मण, धीरज, क्या लगता है तुम्हें रामनाथ जी के पास 16 की रात को कौन आया होगा जो ऐसा करके? पता नहीं साहब, 16 की शाम को गुरुजी के साथ बैठक हुई, उसके बाद मैं अपने घर चला गया। मैं भी साहब, मैं और लक्ष्मण साथ ही निकले थे।
लक्ष्मण, उस रात कोई आने वाला था क्या रामनाथ जी से मिलने? गुरु जी ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं। सर, ये चार फोन्स ड्रॉअर में से मिले। इन्हीं चारों के होंगे, रामनाथ जी, उनकी वाइफ गायत्री और बच्चे नेहा और किशोर। कम से कम 72 घंटे। 72 घंटे इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते, क्योंकि 16 जून की शाम को इन सबको देखा गया था और 17 तारीख से घर पर ताला लगा है। अजीब बात है इंस्पेक्टर, 16 की रात 4-4 कत्ल होते हैं, लेकिन पड़ोसी को भनक तक नहीं लगी।